और बहुत से लोगों का मसला दूसरा ये है कि भाई सोचते हैं कि भाई ट्रक का लाइसेंस लेते ही उनको काम मिल जाएगा और अगले दिन वो काम पे लगेंगे और अगले दिन वो ख़त्म 10-12 हज़ार सैलरी कमाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर एक मंदी रेस्टोरेंट में और हमारी डिलीवरी हमने अभी की हुई है, तो हम आए यहाँ पर इस मंदी रेस्टोरेंट में। यहाँ पे जो खाना होता है भाईजान, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इट्स डिफरेंट थिंग। ये जो रेस्टोरेंट है ये एक यमनी रेस्टोरेंट है। यहाँ पर जो है जो अरबी कम्यूनिटी के लोग हैं वो यहीं पर आकर खाना खाते हैं और इसे कहते हैं मंदी। एक होती है फिश मंदी, एक होती है फ़िश मंदी और एक होती है लैम्ब मंदी, एक होती है चिकन मंदी। लेकिन जो सबसे अच्छी मंदी है वो फ़िश की है, वो यहाँ मिलता है, टोरंटो में नहीं मिलता। माशाल्लाह, ये खाना है भाई फ़िश मंदी और जैसे कि आप देख सकते हो वन प्लेट भाई के लिए एंड वन प्लेट फॉर मामू, लेकिन मामू अभी आए नहीं। ये कुछ ये कौन सा 3-4 मिनट है बोलो, ये पाकिस्तानी आ जाओ। इसके साथ जो ये दक्कूस हॉट सॉस, इसको अरबी में कहते हैं शत्ता। हाँ, यू नो अरबी में इसको कहते हैं शत्ता, शटअप नहीं शत्ता। बिस्मिल्लाह, मामू का प्लेट पड़ा हुआ है, वो अभी तक नहीं आए, उनको आने में भी लगता है टाइम लगेगा। ह्यूस्टन में मूव करना चाह रहे हैं भाई। Awesome man. Look at this. Freshness is above and beyond. Awesome. इस वक्त हमने अभी यहाँ पे अपना खाना वाना पूरा कर लिया है, सब कुछ ख़त्म कर दिया, पूरा प्लेट सफाई वफाई हो गई और हम अभी 4:51 है और यहाँ से अभी हमें निकलना है और मामू आए हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना खाना खा लिया और अपना तो क्लियर कर गया प्लेट पूरा। अब तकरीबन 5:30 यहाँ से निकलना है। लरेटो में पहुँचने में हमें लगेगा 5 से 8 घंटे, 5 घंटे 5.5 घंटे लग जाएंगे, लेकिन 5-5.5 घंटे यहाँ से अगर ट्रैफिक ना हो तो पहुँचेंगे ऑन टाइम। अगर ट्रैफिक होगी तो मतलब यूँ समझ लो रात को 11:30-11 बजे से पहुँचेंगे, ट्रेलर स्विच करके वापस वहाँ से निकलना है। मामू से मिलाता हूँ, अब वो गपशप पे लगा हुआ एकदम मस्त बोली चाली पे अपनी। प्रेशर मामू बैठे हुए मस्त, कैमरा तोड़ दिया बंदे ने मेरा। तो ये है मौलाना शुएब साहब, तो कंसेंट जिसको अभी जिस रेस्टोरेंट के नीचे बिल्कुल खड़ा हूँ मैं, ऊपर का इसका एड्रेस नाम ये इसका है हदरल मौत, मतलब मलकल मौत नहीं हदरल मौत। तो यहाँ पर ह्यूस्टन टेक्सास में बहुत ही अच्छी मंदी जो खाना है यहीं पर मिलता है और ये मामू है मेरे, यहाँ पर ह्यूस्टन में रहते हैं, यहाँ पे माशाल्लाह से एक मस्जिद ये हैंडल करते हैं, यहाँ पे अल मुहाजिरीन, करेक्ट जी, अल मुहाजिरीन, अल मुहाजिरीन, अल मुहाजिरीन मस्जिद के नाम से मशहूर है हार्विन में, हार्विन में अल मुहाजिरीन इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर। तो यहाँ पर अगर आप ये डाउनटाउन से 15-20 मिनट्स, तो यहाँ पर अगर कोई भी बंदा मतलब आए तो भाई ये मस्जिद है, इनका पता यही है, इनको यहीं पे आप लोग पकड़ सकते हो, अपना मेहमान ये ले सकते हो। ये हदरल मौत में ये भाई साहब इसको नाम देता है मलकल मौत, अजीब नाम दे, मलकल मौत ही शीट है हदरल मौत को, मलकल मौत कहता है। ये एक जगह है ना यमन में, हदरल मौत यमन का पुराना नाम यही है, यमन का पुराना नाम था अच्छा हदरल मौत।
यार यमन का नाम भी चेक करो यार, ख़तरनाक नाम है भाई। इस वक्त अभी हमारा यहाँ से खाना पीना हो गया डन, पीछे वो मामू हैं वो अभी घर जा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे बैठे थोड़ा उनके साथ टाइम बिताया, टाइम स्पेंड किया, और बस अभी रास्ता यहाँ से अभी हमारा तकरीबन 5 घंटे का है, और बस निकलते हैं यहाँ से अभी अपने 5 घंटे के सफ़र में, और वहाँ से पिकअप है, पिकअप करके फिर वापस अपने घर की तरफ। ये मौसम ठंडा नहीं है, मौसम एकदम गर्मी का मौसम है, लेकिन ये जो हवा चल रही है बड़ा मज़ा आ रहा है, इट्स ब्यूटी मैन। ट्रक की हालत क्या हुई थी हमारी, इतना ये मतलब बर्ड शेड्स, लोग ये पूरा बर्ड शेड्स, ये देखो पूरा, ये देखो ये पूरा अटैक किया भाई, ये पूरा बर्बादी, ये देखो देखो भाई ज़रा एक देखो, ये देखो अब आप लोगों को शायद ये सही तरीके से दिख रही होगी, ये देखो पूरा का पूरा मिरर पे अटैक, ये देखो मतलब इस तरह से, मतलब वो मुझे जो है ऐसा अजीब सा फील हो रहा है कि रेन हो रहा है, लेकिन रेन नहीं हो रहा भाई, वो टक टक करके आवाज़ शुरू, और ये मतलब इनका फायरिंग शुरू, अटैक कर दिया इन्होंने मुर्गियों ने। कहते हैं वो बर्ड शीट गुड लक होता है, पता नहीं गुड लक होता है या शीटी होता है। ट्रकिंग में कनाडा हो या अमेरिका हो, जो भी नया बंदा आता है तो उनके माइंडसेट में यही होता है कि भाई हम कनाडा आएंगे तो हम ट्रक चलाएंगे और हम बहुत सारे पैसे कमाते हैं। तो बात वो नहीं है कि सैलरी जो है कनाडा में या अमेरिका में कि आप बहुत ज़्यादा पैसा बनाओगे, यस इट्स अ फैक्ट कि आप मिनिमम वेज से ऊपर जाओगे, जो कि आजकल कनाडा में आई डोंट नो बिकॉज मैं अमेरिका में रहा, तो यूएस का मुझे नहीं पता इतनी ज़्यादा रेट्स, बट कनाडा में मिनिमम वेज अब चल रही है ओंटेरियो सिटी में, बाकी प्रोविंस में दूसरी वेज होगी, जो ओंटेरियो सिटी में वेजेस होती हैं पर आवर $17 $17.5 मिनिमम वेज, और डिपेंड करता है आप एक फोरक्लिफ्ट ऑपरेटर हो या कुछ दूसरी फील्ड में हो वो ऊपर है, सो दैट इज़ बिकॉज यू हैव दैट स्केल। लेकिन अगर आप एक ट्रक ड्राइवर हो तो आपकी मिनिमम वेज जो है $17 से ऊपर जाती है 26 to 30 के बीच में, तो ये एक वेजेस होती हैं, बट डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में काम करते हो, आप कौन सी कंपनी में काम नहीं करते, एंड ऑल्सो इट ऑल डिपेंड्स हाउ मैनी आवर्स यू आर गेटिंग पर वीक, ये एक चीज़ होती है। एक दौर होता था, एक ज़माना होता था जो कि ट्रक ड्राइवर्स की जो इनकम भी बहुत अच्छी होती थी और उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती थी, लोग इज्जत करते थे, रिस्पेक्ट देते थे, एक दौर होता था, एक टाइम होता था, लेकिन आज के दौर में, आज के टाइम पे वो वक्त नहीं है, वो टाइम नहीं है, आप मेहनत बहुत ज़्यादा करते हो और आपको उस लेवल की आपकी अप्रिसिएशन नहीं होती, टाइम टाइम की बात है, लेकिन वो बात ये है कि भाई जब हम इस फील्ड में हैं तब जाके ये जो है ये फील्ड बर्बाद होने लगा, और बर्बाद भी क्यों होने लगा उसकी भी बारे में बताता हूँ मैं। आजकल के इन्फ्लेशन के टाइम पे जो इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन चल रहा है, इतना ज़्यादा महंगाई है चीज़ों में, आपको घर अगर आप रेंट पे लेने जा रहे हो तो आपको एक घर की रेंट आपको 25 से जो है 2000 से लेके 2500 तक एक बेडरूम मिलती है, हाउसिंग प्राइसेस अलग से है, ग्रोसरीज एक्सपेंसेस अलग से हैं, तो ट्रैकिंग वो ट्रैकिंग नहीं रही क्योंकि सैलरी उस हिसाब से बढ़ नहीं रही, खर्चे उससे ओवर द रूफ चल जा चुके हैं ऑलरेडी, तो और मेनली ज़्यादातर बहुत से हमारे जो लोग हैं इन्होंने हमारे अपने डीसी कम्युनिटी का कहता हूँ, तो बहुत से लोगों ने ट्रक के लाइसेंसें ली हैं और इस फील्ड में आए हैं कि भाई बस बहुत सारा पैसा हम पैसे कमाएंगे, और उनका सोच ये कि एक्सपीरियंस लेने के बाद उनको बहुत ज़्यादा सैलरी अच्छी मिलेगी, नहीं ऐसा नहीं है, वो कम रेट पे काम करना शुरू करते हैं अपने मकसद के लिए, अपने मतलब के लिए कि भाई उनका पीआर हो जाए, वो यहाँ के सिटीज़न हो जाए, तो कम रेट पे भी काम कर देते हैं, तो उस उनके इस कम रेट की वजह से जो एक्सेप्ट करते हैं इस काम को, बाकी पूरी ट्रकिंग इंडस्ट्री अफेक्ट हो चुकी थी ऑलरेडी, विच इज़ आई थिंक 2-3 साल पहले ये जब ड्रामे सारे शुरू हो जाते हैं, तो ये कम रेट पे काम करते थे, मार्केट में रेट कम मिलना शुरू हुआ, तब जाके भाई फिर बहुत सारे जो ड्राइवर्स एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं उनको भी ये चीज़ फेस करनी पड़ी कि भाई वो 20 साल का एक्सपीरियंस बंदा वो ट्रक चला रहा है, वो उसकी डिमांड ज़्यादा है, और एक बंदा आ जाए उसकी डिमांड मतलब आधे से भी कम है, तो वो फील्ड में लग जाते हैं, और एक्सीडेंट का मसला नहीं है, सेफ्टी का मसला नहीं है, बस लोड पहुंचाना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा हमारी देसी कम्युनिटी ने किया ख़राब इस चीज़ को।
दिस इज़ अ बिग बिग थिंग। इस चीज़ को अगर कोई एडमिट नहीं करता तो मैं कहता हूँ वो शायद खुद ये चीज़ कर चुका है, एडमिट नहीं करना चाह रहा है, बट यही रियलिटी है। और बहुत से लोगों का मसला दूसरा ये है कि भाई सोचते हैं कि भाई ट्रक का लाइसेंस लेते ही उनको काम मिल जाएगा और अगले दिन ही वो काम पे ले जाएंगे और अगले दिन वो ख़त्म 10-12 हज़ार सैलरी कमाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप में से कोई भी बंदा ट्रक का लाइसेंस ले रहा है, आपको मैं ये बताऊँगा, आप अगर कोई कंपनी को जानते नहीं हो, आपके लिंक्स नहीं हैं, आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता, तो जॉब मिलना ही बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योर नहीं करेगी, क्योंकि आप एक नए ड्राइवर हो, वो आपके ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहते कि भाई ट्रेलर है, ट्रक है और आप खुद हो, और प्लस जो लोड है, जो फ्रेट है जो जा रहा है, उसकी जो है कॉस्ट बहुत होती है। अगर उस ट्रक को आप गिरा देते हो, आपको कुछ होता है, ट्रक और ट्रेलर को कुछ हो जाता है, तो इंश्योरेंस पे करती है। तो इंश्योरेंस जो है नए ड्राइवर्स पे रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए वो नए ड्राइवर्स हायर भी नहीं कर रहे। तो आप में से अगर कोई सोच रहा है कि आज मैं लाइसेंस ले लूँगा, कल मुझे काम मिलेगा, अनलेस कि आपको कोई कंपनी ने ऑलरेडी हायर कर चुका होगा, आपको बाकायदा वो ट्रेनिंग देंगे, आपको फील्ड के लिए रेडी रखेंगे, तब जाके आप वो काम जो है उस काम को करने में सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन आफ्टर अ बिग टाइम आपको राइट अवे नहीं मिलेगा जॉब। हाँ, अगर आप वही मैं कहता हूँ कि किसी कंपनी में ऑलरेडी आपकी बात है, आप इन हो चुके ऑलरेडी, सिर्फ आपका लाइसेंस हाथ लगने तक की देरी है, सो यस दैट इज़ फाइन। लेकिन आप एक नए ड्राइवर जो लाइसेंस आज ले रहे हो और सोच रहे हो कि कल आ जाओगे ट्रक चलाओगे, ऐसा नहीं है। मेरे खुद के जो ब्रदर लो हैं, उन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है, लेकिन जॉब मिलना मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इस फील्ड में एक्सपीरियंस की डिमांड बहुत है। आजकल लोग एक्सपीरियंस बड़ा मांग रहे हैं, क्योंकि वही जो मैं बता रहा था, जो जितने भी ड्राइवर्स हैं उन्होंने लाइसेंस लिए हैं, कम रेट पे उन्होंने जंप किया, काम किया है, ट्रकें मारी हैं, एक्सीडेंट्स किए हुए हैं, सेफ्टी का कुछ पता नहीं है, ई लॉक का कुछ नहीं पता, तो गवर्नमेंट इस पर बहुत टाइट ऑलरेडी हो चुकी है।